गाइस इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू आवर कॉमिक्स। दोस्तों प्रीव्यू में जो स्टेटस वीडियो आप लोगों को दिखाया है, उस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाया जाता है आज के इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एंड दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप लोग कैपकट एप्लीकेशन का जरूरत होगा, एंड इस कैपकट एप्लीकेशन का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे ओपन करें, तो ओपन करते कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट आप लोग न्यू प्रोजेक्ट पे टच करें, यहाँ पर आप लोगों को फोटोज़ पे आना है, एंड यहाँ पर आप लोगों का जहाँ पर भी फोटोज़ है वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे फोटोज़ यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारा फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, देखिए। तो इस तरह से आप लोग भी बहुत सारा फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैंने 34 फोटो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड 34 पर टच करें, एंड यहाँ पर देखिए सारे यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे फॉर्मेट करके आ रहा है, तो इस पर टच करें, यहाँ पर 9:16 ये वाला रेशियो को चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक बार बैक आइए और एक बार बैक आइए, फिर से प्रोजेक्ट पर टच करें, एंड यहाँ पर देखिए 9:16 पर हो गया है। तो फर्स्ट पिक्चर पर टच करें, इस तरह से आप लोगों को जूम करना है। तो सारे जितने भी पिक्चर आप लोगों ने सिलेक्ट किए हो, 34 सिलेक्ट किए हो, तो 34 को आप लोग इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे पिक्चर को इस तरह से जूम कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर सारे पिक्चर को मैंने जूम कर लिया है। जूम करने के बाद देखिए एंडिंग वाला जो पोर्शन है इसे डिलीट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक ऑडियो यहाँ पर ऐड करना है, तो आप लोग फर्स्ट में आना है। आने के बाद देखिए यहाँ पर साउंड पे आप लोग टच करें, या तो एक्सट्रैक्टेड पे टच करना होगा, एक्सट्रैक्ट पे टच करें। यहाँ पर देखिए एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को आप लोग को यहाँ पर ऐड करना है। तो दोस्तों ये वीडियो इस वीडियो को ऐड करें, ऐड करने के बाद इम्पोर्ट साउंड ओनली पर टच करें। तो देखिए यहाँ पर साउंड इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बीट के अकॉर्डिंग कट करना है, तो देखिए फर्स्ट बीट यहाँ पर है, आप लोग साफ साफ देख सकते हो। तो पिक्चर पर टच करें, स्प्लिट पर टच करें, इधर का जो पिक्चर है इसे डिलीट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीट है, तो पिक्चर पर टच करें, स्प्लिट पर टच करें, इधर का पिक्चर डिलीट करें। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इस तरह से जो सारे पिक्चर है आप लोगों को डिलीट कर लेना है, ठीक है, बीट के अकॉर्डिंग कट करके। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइज इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इसे इंक्रीज करना है। इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोग ऑडियो को सुन के भी बीट के अकॉर्डिंग कट लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सुना देता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करना है, तो गाइज इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कट लगाना होगा, ठीक है। तो पिक्चर पर टच करें, स्प्लिट पर टच करें, इधर का जो पिक्चर से डिलीट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला है, यहाँ पर टच करें, स्प्लिट पर टच करें, इधर का जो पिक्चर है इसे डिलीट करें, ठीक है। उसके बाद सेम आप लोगों को यहाँ पर देखिए स्प्लिट टच करें, इधर का जो पिक्चर है डिलीट करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर होगा, तो इस तरह से आप लोगों को सारे बीट के अकॉर्डिंग पिक्चर को कट कर लेना है। तो आप लोगों को कोई सा भी अगर दिक्कत हो बीट के अकॉर्डिंग कट करने में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं बीट सारा नोट करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक हो गया है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर है, तो टच करें, स्प्लिट करें, इधर का जो पिक्चर है डिलीट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आप लोग, इसके बाद आप लोगों को करने में बहुत ही आसानी होगी, देखिए। एंड यहाँ पर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सारे बीट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो आप लोग क्या करना है, पिक्चर पर टच करें, स्प्लिट पर टच करें, इधर का जो पिक्चर है इसे डिलीट करें। जितने भी आपने एक्स्ट्रा पिक्चर लिए हो, सारे पिक्चर को क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस तरह से आप लोग डिलीट कर लीजिएगा। तो सारे पिक्चर को मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे एक्स्ट्रा पिक्चर डिलीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, फर्स्ट में चलाना है, पिक्चर पर टच करना है। यहाँ पर देखिए एनिमेशन है, इस पर टच करें, एंड इस पर टच करने के बाद अगर आप लोगों को नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, तो आप लोग एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को देखकर इस जो प्रॉब्लम है नो इंटरनेट कनेक्शन का, वो आप लोग सोल्यूशन कर सकते हो। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप लोगों को नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। तो देखिए दोस्तों पिक्चर पर टच करें, उसके बाद कॉम्बो पर टच करें, एंड उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जूम वन करके एक मिलेगा, उसको आप लोगों को फर्स्ट के 8 पिक्चर में ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट जूम वन है ये वाला, तो साउंड को मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो ये जो जूम वन वाला इफेक्ट है, फर्स्ट के 8 पिक्चर में आप लोग ऐड करें, ठीक है। तो
तो ये चार पिक्चर हो गया। उसके बाद देखिए पांच नंबर पिक्चर ये, तो गाइस देखिए आठ नंबर पिक्चर तक ये ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो छोटा पिक्चर है इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको जूम टू वाला इफेक्ट ऐड करिएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो वाला है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, उबेल करके मिलेगा देखिए ये वाला, इसको आप लोग ऐड करना है। उसके बाद छोटा वाला जो है, छोटा वाला को आप लोग जूम टू इफेक्ट देना है। उसके बाद बड़े वाला को आप लोग फिर से उबेल देना है। तो इस तरह से आप लोगों को छोटे वाले में आप लोग क्या करना है, जूम टू वाला इफेक्ट देना है, एंड बड़े वाले में आप लोगों को क्या करना है, उबेल वाला देना है। तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो मैं देखिए मैं सारा प्रोसेस आप लोग को दिखा देता हूँ, तो आप लोग करने में आसान होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से आप लोग उबेल को दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो पिक्चर आ गया है, उसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप राइट एंड लेफ्ट मिलेगा, उसको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग दिखाता हूँ, देखिए ये वाला जो है डेस्कटॉप राइट एंड उसके बाद डेस्कटॉप लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट करके लास्ट तक आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे जो एनिमेशन है ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, आप लोगों को देखिए ओवरले पे टच करना है, यहाँ पर ऐड ओवरले पे टच करें। यहाँ पर एक शैडो वाला पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसे आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना होगा। देखिए ये वाला शैडो वाला जो पीएनजी है इसे ऐड करें। ऐड करने के बाद आप लोग क्या करना, थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इस तरह से जूम करें इसे, एंड थोड़ा सा इसे आप लोग मतलब सीधा कर लीजिएगा। तो गाइस इस तरह से जूम करें, जूम करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस पोजिशन में से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सेट करने के बाद दोस्तों इसे खींच के वीडियो के लास्ट तक कर लीजिएगा। तो गाइस इस तरह से आप लोग लास्ट तक कर लीजिएगा। लास्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग को बैक आना है। यहाँ पर देखिए आप लोग इफेक्ट मिलेगा, इफेक्ट पे टच करें, एंड इफेक्ट पे टच करने के बाद आप लोगों को लास्ट में चले जाना है नेचर में। तो नेचर में टच करें, यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो है स्नो स्टॉर्म, तो ये वाला आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद इसे भी खींच के वीडियो को लास्ट तक ले जाना है। तो लास्ट तक ले जाने के बाद दोस्तों लोग क्या करना है, एक बोड़ा वाला पी एन जी यहाँ पर ऐड करना है। तो ओवर ले पे टच करें, ऐड ओवर ले पे टच करें, एंड ये बोड़ा वाला पी एन जी को ऐड करें, एंड इसको आप लोग खींच के इस तरह से सेट कर लीजिएगा, एंड इसे भी आप लोग वीडियो के लास्ट तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम के कारण, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं प्ले करके आप लोग दिखाता हूँ। तो साउंड को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो देखिए ऐसे मैं प्ले कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो गाइस देखिए बहुत ही बेहतरीन एक स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो गाइस आज का वीडियो इतना था। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक जरूर करेगा, एंड आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।